जाएंगे तो अपना जो जाति है जो भी है वो आप एक कलम आती है उसमें गोंद डालो, क्योंकि हमने पहले गलती की, हिंदू डाल दिए, हमारे समझता नहीं था, प्रेशर डालते थे, उन लोगों ने कुछ भी लिख दिया अपने सामने बिठा के अपने पेन से। वो अगर पेंसिल से लिखते हैं तो पेंसिल से नहीं लिखना बोलना, अपने पास का पेन देने का और बोलना ये पेन से लिखो हम गोंड हैं। अगर जनगणना में आपकी जनजाति अगर गोंड होती है, सबसे ज्यादा होती है, तो ये राज्य आपका वापस मिलेगा, ये राज्य आपका वापस मिलेगा। तो दादा हीरा सिंह ने जो पार्टी बनाई है किस लिए? गोंडों के लिए। लेकिन गोंड है या नहीं है? अरे एक नेता चुन के नहीं ला सकते, एक नेता अगर चुन के नहीं आ रहा तो वो क्षेत्र में बोलते हैं कि यहाँ पे गोंड नहीं है। ध्यान से सुनो, तुम्हारे कान की बात है, जो क्षेत्र में अगर नेता गोंड का खड़ा हुआ, गोंड का बेटा खड़ा हुआ, अगर वो चुन के नहीं आया तो सरकार क्या बोलती है कि वहां पे गोंड नहीं है, पूरे हिंदू है। अब तुम गोंड हो क्या? हिंदू हो? गोंड होना आवाज है कि नहीं तुम्हारे जबान में? जब से बोलो गोंड है ना। फिर अभी तुमको साबित करना है, ये आबा बाबा टाबा के पीछे लगना नहीं है, ये दलालों के पीछे लगना नहीं है। ये दलाल साल में, पांच साल में एक ही बार आएंगे तुम्हारे पास में, लालच देंगे, लालीपॉप देंगे और तुम चूसते रहेंगे और वह तुम्हारा इतना बड़ा अधिकार छीन लेंगे। तो अभी हमको इनके पीछे नहीं लगना है, अभी साबित करना हम गोंड है, साबित करना है, हाँ बोलने से नहीं, तुमको साबित करना है। और साबित कैसा करेंगे? कि एक नेता तुम्हारे बीच में का गोंड वाला गणतंत्र पार्टी का चुन के लाना पड़ेगा, तब साबित होगा कि तुम सही में गोंड हो। साबित करके दिखाना पड़ेगा, साबित करके दिखाना पड़ेगा और चुन के लाना पड़ेगा, तभी साबित होगा कि तुम लोग गोंड हो। नहीं तो सरकार भी वैसी थप्पा मार रही है तुम हिंदू है करके, अगर हिंदू का थप्पा लग गया तो तुम्हारा आरक्षण खत्म। फिर पढ़ाओ अपने बच्चों को पैसे देकर, कितने पैसे कमाऊंगे, कितने बच्चों के पीछे खर्चा करूंगे, पढ़ाई में लगाऊंगे या पास होगा तो उसके ड्यूटी में लगाएंगे। तो तुम्हारा आरक्षण बताना बचाना है तो तुम्हारे बीच में का एक व्यक्ति जो खड़ा होता है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से, उसे जिता के लाओ, क्योंकि ये गोंडों की पार्टी है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गोंडों की है, किसी दूसरे की नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। अरे तुम तो राजा हो, तुम राजा हो इस देश के, और ये देवी देवता जितने तुम मनाते हो ना, दिवाली होली क्या है ये मनाना छोड़ दो, हमारा त्योहार नहीं है ये। दिवाली में इतने सारे फटाके, नए नए कपड़े, ये फल फूल पेड़े क्या क्या नहीं लाते, लक्ष्मी माता की पूजा करते हो, बाप रे वो बहुत पैसे लाके दे रही है लक्ष्मी माता। और बोलते हैं क्या बोलते हैं आरती तुम लोग, जय लक्ष्मी माता भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। सुनो तुम लोगों कोई भी काम की चीज है, जितनी महिला है उतने पुरुष भी है, तो बोलते हैं जय लक्ष्मी माता भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। क्षण का मतलब होता है ये पापनी, झुकने के पहले क्षण होता है। क्षण किसे बोला गया? ये तुम्हारे आग की पापनी है, ये झुकने के पहले क्षण होता है, उसे बोलते हैं क्षण। और ये क्षण में कितने हमारे गौर गरीब लाचार दुखियारे गोंड समुदाय का प्रश्न सॉल्व किया, क्या कुछ लाके दिया? इतने सालों से तुम आराधना पूजा कर रहे हो देवी देवताओं की, लाके दिया किसी देवी ने? एले बेटा इतने सालों से तुम मेरी पूजा कर रहे हो, सोने का गटूरा हीरे मोती जेवर और पैसे लो और सालों साल बैठ के खाओ, पीढ़ी दर पीढ़ी बैठ के खाओ, कमाने जाने की जरूरत नहीं, बोला है किसी देवी देवता ने भगवानों ने? इतने तो बेटे है तुम्हारे घर में, 36 कोटि भगवान देवी देवता, तो बोला किसी भगवान ने कि ले बेटा कमाने जाने की जरूरत नहीं है? अब तुम दिवाली मनाते हो, पैसे खर्च करते हो, जितने सामान लाते हैं कोई देवी देवता देते का नहीं देता, तुम लोग कमाई करते हो, कमाई करने के बाद मेहनत करने के बाद वो अगला वाला तुम्हारे हाथ में तुम्हारे मेहनत के पैसे देता है, और तुम्हारे मेहनत के पैसे देने के बाद में तुम खर्चा करते अपने घर में, तो कोई देवी देवता देता नहीं है। ऐसे हमारे जो पूर्वज हो गए, क्रांतिकारी हो गए, इन लोगों ने ऐसी हम लोगों को लूटा है और लूटा है, हमको अंधकार में धकेला है और आज भी हम घंटा बजा रहे हैं, आज भी हम मंदिर का घंटा बजा रहे हैं, आज भी हमारे पेन पुरखाओं को, हमारे पूर्वजों को नाम चेंज कर करके, डोंगरगढ़ की हमारे दाई को भी नाम चेंज कर दिया, हमारे कंकाली दाई कली दया दाई को काली काली कर दिया है, चंद्रपुर में काली बोलते हैं,
तो हमारे ही बहन लोगों का नामकरण करके इन लोगों ने हिंदूकरण कर दिया। तो अब हमको सुधरना है तो हमारे बीच में एक व्यक्ति को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुन के लाना है। और जितने भी तुम देवी देवता तुम्हारे घर में हैं, निकालो, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है रखने से, कोई लाके नहीं देता। तुम मेहनत करोगे तब तुम्हारे घर में पैसा आएगा, बिगर मेहनत से कोई कोई लाके नहीं देता है। आज यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा, आप इतने दूर दूर से काय के लिए आए? सिर्फ नाच गाने के लिए है क्या? सिर्फ नाच गाने के लिए? हमारा एक ये अलग ही बन गया सिस्टम, जहाँ डीजे रहता है, नाच गाना रहता है, तो सब पब्लिक दौड़ जाती है। जैसा नाच गाना खत्म हो गया, पब्लिक उठ के चले गई। क्या हमारा समाज सिर्फ नाच गाने के लिए है? अरे कौन आता है तुम्हारे को ज्ञान की बातें देता है? यहाँ पे भाषण नहीं हो रहा है, भाषण नेता लोग देते हैं। यहाँ पे भाषण नहीं, तुम्हारे काम की चीज हो रही है, तुम्हारे फायदे की चीज हो रही है। अपने अपने गांव में ग्राम सभा का निर्माण करो और उस ग्राम सभा में 75% महिला, 75% पुरुष और 25% महिला होना चाहिए। ये नियम रखो, तुम्हारे ग्राम सभा के जितने नियम है पालन करो, बहुत कुछ मिलता है उसमें ग्राम सभा में, आप देखो। लेकिन वो मालूम होना चाहिए, अधिकार कितना बड़ा दिया है ग्राम सभा ने आप लोगों को, वो अधिकार मालूम होना चाहिए। लेकिन हमने ग्राम सभा क्या है ये मालूम ही नहीं है। ग्राम सभा में तो है लेकिन उसके नियम क्या है? कोई अधिकारी तुम्हारे घर में घुस जाता है तो तुम रोक नहीं पाते। अरे वो ग्राम सभा का मतलब है कोई भी अधिकारी तुम्हारे क्या बोलते पूछे बगैर वो आ नहीं सकता, परमिशन के बगैर। तो हमारे पेन पुरखा जो है उनको ये सब नहीं चलता। हमारे अगर इतना पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे जो सिर्फ थोड़ी सी जगह लिपो, एक दिया रखो, वही बहुत कुछ है। प्रकृति शक्ति वही वास करती है। इतने सारे भगवान रखोगे तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो हमारे नहीं है। हमारे जो है उनके बारे में बोलो। अरे आज तुम लोगों को पता नहीं है तुम्हारे पेन पुरखा पूर्वज कौन है, तुम्हारे क्रांतिकारी कौन हो गए। तुम्हारे क्रांतिकारियों को तोपों के सामने बांध के उड़ा दिया गया है। तो हम लोगों को मालूम रहेगा हमारे क्रांतिकारी कौन है, हमारे पेन पुरखा कौन है, तभी हमारे आने वाले पीढ़ी को मालूम रहेगा। आज तुमको मालूम नहीं, इसलिए आज इस परिस्थिति में है। जहां भी कार्यक्रम में जाते हो तुम लोग तो ऐसे ही जाते हो, तो लोग समझते हैं कि ये हिंदू का कार्यक्रम है, क्योंकि बहुत कम लोग जो है अपने ट्रेडिशनल जो कल्चर है लेके चल रहे हैं। तो एक दिन के लिए कल्चर लेके चलो, कल्चर के साथ चलो। कार्यक्रम हो रहा तो ये सोचो कि नहीं हमारा कल्चर दिखाना है, हम गोंड है, हमको दिखाना है कि हम गोंड है। हम दिखाते नहीं, इसलिए हमारी जनसंख्या कम हो रही है। खुद को हम हिंदू बता रहे हैं और राम राम बोल रहे हैं। अरे राम राम कौन है, क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा तो इतना सौंप ही है सेवा जो है, सेवा जो। अरे दूसरे बोला राम राम तो तुम क्यों बोल रहे हो? वो हिंदू है इसलिए राम राम बोल रहा है, तुम तो गोंड हो। तुम्हारा तो इतना बड़ा मंत्र है सेवा जोहार, इसका पहले अर्थ मालूम पड़ेगा, तभी तुम लोगों को मालूम रहेगा ना। सेवा का मतलब है माँ बाप की सेवा, बहन भाई चाचा चाचा मामा मामी दादा दादा दाऊ दाई, पेड़ पौधों की सेवा, जीव जंतु की सेवा, जानवर की सेवा, पशु पक्षी की सेवा। इतना दो अक्षर का इतना बड़ा हमारा सेवा का मंत्र है। तुमको इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा है, समझने वाले के लिए बहुत छोटा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे समझने वाले नहीं है और सुनने के लिए भी कोई नहीं आया। यहाँ पे सिर्फ नाच गाना सुनने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं साथियों, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ के लोगों में इतना इंटरेस्ट नहीं है, समाज के प्रति जागरूकता नहीं है, इसलिए सब उठ उठ के जा रहे हैं। समाज के प्रति जागरूकता नहीं है, इनको इंटरेस्ट है घंटा बजाने में। दूसरे का कार्यक्रम रहता, नाच गाना रहता तो अभी जाते थे, अभी तुम लोग डीजे लगाओ अभी धन धन नाचेंगे, पूरी आ जाएंगे, अरे थक भी जाएंगे तो नाचते रहेंगे। तो ये है हमारा
हम दिखा रहे हैं लोगों को कि देखो हमारी कमजोरी, ये हमारी कमजोरी दिखा रहे हैं हम लोग, कि हमारी कमजोरी क्या है कि बस हम दिखावे पे जा रहे हैं। साथियों, इतना बोल के मैं अपने दो शब्द खत्म करती हूँ। जय सेवा, जय गोंडवाना।